हाय, आई एम डॉक्टर गौरव एंड आई एम अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। ये वीडियो हम स्पेसिफिकली बना रहे हैं टू डिस्कस ग्रेड वन एंड ग्रेड टू टाइप ऑफ बॉल्डनेस। नाउ मेल पैटर्न बॉल्डनेस इज डिवाइडेड इनटू सेवन ग्रेड्स। आउट ऑफ दोज सेवन ग्रेड्स वील बी एड्रेसिंग वन एंड टू इन दिस वीडियो। ये वीडियो बनाने की वी आर ब्रिंगिंग दिस सीरीज ऑफ वीडियो जिसमें हम अलग अलग ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस डिस्कस करेंगे ताकि पेशेंट्स को रिलेट करना आसान हो जाए। देर इज नो कंप्यूटर जनरेटेड मेथड, जो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन भी होता है कि आप हमारा कंप्यूटर इमेज करके दिखा दो कि ये रिजल्ट कैसा दिखेगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है बिकॉज इट गिव्स अ फॉल्स इंप्रेशन। जो एक्चुअली में होने वाला है वो किसी को, सो द फॉर एवरी पेशेंट द हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट इज डिफरेंट। सो वेन यू सी रिजल्ट ऑफ योर सेम ग्रेड, आप उनसे रिलेट करके यू कैन इमेजिन योर सेल्फ वॉट काइंड ऑफ अ रिजल्ट अ हेयर ट्रांसप्लांट कैन गिव। हालांकि ग्रेड वन एंड ग्रेड टू आर दी बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर हेयर ट्रांसप्लांट बिकॉज किसी का साइड टेम्पल्स गया है। ग्रेड वन और टू में होते कौन कौन हैं, जिनका साइड टेम्पल गया है या किसी का फ्रंटल हेयरलाइन पीछे गया है, एक दो फिंगर में भी। सो दीज पेशेंट्स आर आइडियल कैंडिडेट फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट बिकॉज इसमें क्या होता है, हम अच्छी डेंसिटी में बाल लगा पाते हैं, प्लस उनके जो अपने बाल होते हैं उनको हम हेयर फॉल मैनेजमेंट से बेटर करते हैं। तो ट्रांसप्लांटेड बाल और आपके अपने बाल मिलके ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है। ग्रेड वन एंड ग्रेड टू टाइप ऑफ बॉल्डनेस में वी स्पेसिफिकली यूज सफायर ब्लेड्स। सफायर ब्लेड यूज करने से वी आर एबल टू गिव दैट एक्स्ट्रा डेंसिटी, जो डेंसर लुक होता है, जो पीपल वॉन्ट दैट एक्स्ट्रा डेंसिटी कैन बी गिवन विद द हेल्प ऑफ सफायर ब्लेड। एज इज नेवर अ क्राइटेरिया। ग्रेड वन और ग्रेड टू काइंड ऑफ बॉल्डनेस कैन स्टार्ट एट एज अर्ली एज 21 ईयर्स ऑफ एज एंड कुड बी टू द पेशेंट्स ऑफ 50 प्लस ईयर्स ऑफ एज, वेयर जेनेटिक्स आर वेरी गुड, द पेशेंट हैज ओनली गॉट अ ग्रेड वन बॉल्डनेस एट द एज ऑफ 50। सो एज इज नेवर अ क्राइटेरिया इन दिस काइंड ऑफ अ बॉल्डनेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें डिजाइनिंग का रोल होता है, विच इज़ इन द हैंड ऑफ द सर्जन। आपने कई हेयर ट्रांसप्लांट्स ऐसे देखे होंगे जिनके बाल खड़े खड़े हैं, डायरेक्शनलेस हैं, सामने से अलग से पता चल रहा है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट है। सो वो आता है टेक्निकल में। अब टेक्निकल में आई विल नॉट गो वेरी डीप इन टू द टेक्निकल्स, बट आई विल गिव यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल, डायरेक्शन, द डेप्थ एट विच द डिजाइनिंग इज बीइंग डन, द स्लिट्स हैव बीन मेड। इन आम आदमी की भाषा में जो होल्स हम पंच करते हैं वो उसके ऊपर बहुत द हेयर लाइन डिपेंड्स अ लॉट ऑन दैट। Obviously the density also matters a lot. अगर दूर दूर लगा दिया तो वो आगे एक see through effect आता है, वो नहीं आना चाहिए। So when you see our results, you will see these points. The results are more natural looking. कोई बता नहीं सकता कि ये बाल transplanted हैं, उनकी density अच्छी है। And we have made existing hairs better through hair fall management. And both transplant and existing hairs together, they look much much better. So that is how we plan it. So I would rather sum it up. In grafts ka ek aur question aata hai ki kitne grafts lagenge. So we cannot create a border between, say jahan baal nahi hai wahan laga diye, jahan hai wahan chhod diya, aise nahi hota. So we have to blend it. Supposedly the case is small, so what we do is we go between the hairs, जहाँ अपने बाल हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत thinning भी अगर होती है तो उसे भी address किया जाता है, and we transplant hairs between the hairs, थोड़ा सा वो futuristic हो जाता है ताकि जब अपने बाल जाएँ तो एकदम से आपको और एक transplant की ज़रूरत ना पड़े, the transplanted बाल will take over. So that's the basic idea of grade 1 and grade 2 kind of a baldness. In a similar fashion, I'll be documenting the other grades also. There'll be certain before and after coming through after this video. There are also certain video testimonials of the patients who have got hair transplant done with us. There are plenty of them. Jo grade 1 or grade 2 specific hain, wo is video ke end mein follow karenge. And I'll be coming up with a new video very soon. Thank you. It was very good experience in this occult aesthetics by Dr. Gaurav. मैं तो prefer करूँगा कि आप Dr. Gaurav के पास आके करवाएं, क्योंकि जो इनका expertise है इस field में वो काफ़ी अच्छा है। Experience बताओ अपना। Experience बहुत अच्छा था, Dr. Gaurav बहुत friendly थे। This is one year after.
temples have come up well. These side also they come up well. 2 months post hair transplant because the time ka duration bhi hota hai. Beautiful looking results, all natural. Hairs have come up very well. Temples bhi banaye the na aapke the? Haan. Made the side temples also natural looking. So hairs are a little wet because of sweat. Very nice to know.